तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क यानी कि जॉन अब्राहम की मच अवेटेड फिल्म वेदा सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों को दे सकता हूँ ये वैधानिक चेतावनी कि भाई अगर आप जॉन अब्राहम के बहुत बड़े फैन हैं, उनके फिल्मों के दीवाने हैं, आप उनकी एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो अपने साथ कुछ दवाइयाँ जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि इन दवाइयों की आपको बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी सिनेमा घरों में, क्योंकि भाई तोड़फोड़ इतना ज्यादा हो गया इस फिल्म में कि भैया उसका असर जो है वो आपके दिमाग के संतुलन पर पड़ सकता है और आपका दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ सकता है और आप सोचने पर वही मजबूर हो जाओगे जो कि मैं सोच कर आया हूँ इस फिल्म को देखने के बाद। तो भैया मैंने क्या सोचा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कई बार मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है सिनेमा घरों में जाने के बाद जब मैं बॉलीवुड की फिल्मों को देखता हूं तो मैं उम्मीदें लेकर जाता हूं कि भाई इस फिल्म का ट्रेलर तो मुझे काफी पसंद आया था, फिल्म के ट्रेलर में बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखने को मिली थी तो ये फिल्म अच्छी होगी। लेकिन वहां जाने के बाद होता क्या है कि भैया ढाक के तीन पात, यानी कि भैया हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों के पास लिबर्टी नाम का एक ऐसा चप्पल है जो कि आपको बार बार मारा जाता है और आप बार बार उस लिबर्टी वाले चप्पल से मार खाने के बाद आप ये बात कहते हो कि यार इस बार माफ करते हैं, अगली बार ये लोग ये गलती नहीं करेंगे। अभी कितनी बार ऐसी गलतियां करेंगे यार ये बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार और बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर। अब देखिए इन दिनों एक ट्रेंड हम लोगों ने देखा है बॉलीवुड में कि भी अगर किसी बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर के पास में किसी बॉलीवुड के बड़े कलाकार का लिंक है तो भाई वो अपने लिंक का उपयोग करके भाई भाई ये फिल्म, भाई ये कहानी, भाई क्या ऐसा गरीबी, भाई लोगों के बीच में इतना मनमुटाव है, भाई लोगों में जात पात बहुत है, भाई आप आओगे जात पात मिटाओगे, हीरोइन को बचाओगे, भाई पब्लिक खुश, पब्लिक बोलेगी अरे यार देखो कितना अत्याचार हो रहा है, भाई कितना अत्याचार हो रहा है, पब्लिक तालियां पीटेगी, भाई तालियां पीटेगी और आपको नेशनल अवार्ड मिलेगा। दे दो यार नेशनल अवार्ड दे दो इस फिल्म के मेकरों को कि उनको ये अवार्ड देने के बाद ये भी बोल दो कि इसके बाद से भैया इस तरह की फिल्में मत बनाना और अगर ऐसी फिल्म बनाओगे तो बताना कि इतना अत्याचार हमारे कंट्री के किस कोने में हो रहा है। जब आप इस फिल्म को देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसा ही प्रतीत होगा। इस फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको अच्छा लगेगा जैसे कि मुझे लगा था, फर्स्ट हाफ मुझे ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जैसे ही इस फिल्म का सेकेंड हाफ शुरू होता है मैं यूं अपने माथे को पकड़ लेता हूं, अबे क्या देखने आ गया यार, ये लोग पहले पार्ट में क्या दिखा रहे थे, यानी कि फर्स्ट हाफ में क्या दिखा रहे थे और सेकेंड हाफ में ये क्या होने लगा। अरे यार फिल्मी लिबर्टी के नाम पर आप इतने बड़े बड़े झोल करोगे। मैं आपको क्लाइमेक्स का एक सीन बताता हूं कि भैया जॉन अब्राहम और सर्वरी वॉक जो हैं वो खड़ी रहती हैं एक माइंस एरिया में और वहां पर सर्वरी वॉक के जो पिता हैं वो भी साथ में रहते हैं। इन लोगों के बीच में टॉक चल रहा होता, पूरा ओपन ओपन स्पेस आपको देखने को मिलेगा कि भैया ये लोग खुली जगह पर बात कर रहे हैं। अचानक से पत्थर के खड़कने की आवाज आती है, जॉन अब्राहम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं भाई कौन है, खुले मैदान में वो देखते हैं कि भाई कौन है और अचानक से उनके सर पर ठना से एक बेलचा पड़ता है। अब भाई खुले मैदान में वो बेलचा मारने वाला आया कहां से, जॉन अब्राहम ने जब चारों दिशा में देखा तो उनको दिखा क्यों नहीं, मतलब कि भैया मतलब ये क्या है, क्रिएटिव लिबर्टी का मतलब क्या है। उसके बाद जब आप इस फिल्म का क्लाइमेक्स का आखिरी पोर्शन देखोगे तो वहां पर जॉन अब्राहम को 500 गोलियां लगी हुई हैं और जॉन अब्राहम मुख्य विलेन यानी कि अभिषेक बनर्जी के पैरों को पकड़े हुए हैं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जाने नहीं दूंगा। तो अभिषेक बनर्जी पूछते अरे भाई इतनी गोलियां तो तुझे मार चुका हूं अब तो जाने दे मेरे भाई कितना फुटेज खाएगा, तो जॉन अब्राहम का डायलॉग आता है वहां पर अरे अभी सर्वरी का फाइनल मोनोलॉग जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कौन लड़ेगा उसका केस, वो फैसला कर रही है, जजों से पूछ रही है कि कौन हमें इंसाफ दिलाएगा, मैं तुझे अभी कैसे छोड़ सकता हूँ। और उसके बाद जब सर्वरी वॉक का जो वो मोनोलॉग खत्म होता है तो उसके बाद जॉन अब्राहम मतलब कि मुझे लगता है कि ये 10 मिनट का सीक्वेंस होगा या 10 से 15 मिनट का सीक्वेंस होगा जहां पर जॉन अब्राहम अंत में फिर खड़े होते हैं, ये डायलॉग बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युद्धानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। ये डायलॉग बोलकर वो उठते हैं और उसके बाद भैया क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद फिल्म नहीं देख पाए, मतलब हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाया और हम लोग निकल गए। यार इतनी वाहियात मूवी, इतनी वाहियात और इतनी घिसी पिटी स्टोरी भाई कितनी बार ये लोग दिखाएंगे यार, कि गांव का एक प्रमुख है, सरपंच है, मुखिया टाइप का एक विलेन है जो कि उच्च जाति से आता है और निम्न जाति के लोगों के साथ वो हमेशा अत्याचार करता रहता है और निम्न जाति के लोग जो हैं वो बाबू बाबू मालिक मालिक करके उसका अत्याचार सहते रहते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं और वो आदमी अत्याचार पर अत्याचार पर अत्याचार पर, बहुत बारी फिल्म बनी है तो बार बार अत्याचार अत्याचार मुझे बोलना पड़ा ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना अत्याचार हो रहा था। तो भाई ये सारी अत्याचार वाली घटनाएं हो रही होती है तो वहां पर ही मैन मस्कुलर हल्क जॉन अब्राहम की एंट्री होती है भाई उनके जबरदस्त अंदाज में, जिनको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आती है कि भाई ये गोरखा रेजिमेंट के कमांडर थे और वहां पर उनका कोर्ट मार्शल हो गया है, उनकी बीबी की हत्या आतंकवादियों ने कर दी है। कोर्ट मार्शल होने के बाद वो अपने एक दूर के रिश्तेदार के पास आते हैं जहां पर वो उनसे बोलते हैं मुझे कुछ काम वाम दिला दो, मेरा मन भर गया है फौज से। वो काम पकड़ लेते हैं तो उनका एंट्री उस कॉलेज में हो जाता है जहां पर सर्वरी वॉक पढ़ती थी। ये कॉलेज जो है वो दो समुदाय के लोगों के द्वारा चल रहा है, यानी कि इसमें उच्च कोटि के लोग भी पढ़ते हैं, निम्न कोटि के लोग भी पढ़ते हैं। और यहाँ पर होता क्या है तो निम्न कोटि की जो लड़की है यानी कि सर्वरी वॉग, उसको पता चलता है कि उसके कॉलेज में बॉक्सिंग सिखाने का रिंग बनाया जा रहा है और वहाँ पर कैंडिडेट्स की कैंडिडेट्स को चुना जा रहा है कि जिनको भी बॉक्सिंग सीखना है वो आ जाए। तो सर्वरी वॉग भी पहुँचती है कि मुझे बॉक्सिंग सीखना है, लेकिन अरे सर्वरी वॉग तो निम्न जाति से आती है, कैसे वो बॉक्सिंग सीख सकती है, कैसे ये बात हजम होगी उच्च कोटि के लोगों को। उन लोग बोलते हैं कि भैया तू ये सब क्या सीखेगी, ये चल झाड़ू पोछा लगा। वो झाड़ू पोछा लगाने में लगती है और बाहर से वो यूं यूं करके बॉक्सिंग सीखने लग जाती है। फिर अचानक ही कहानी में एक ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से उसके पूरे फैमिली की हत्या कर दी जाती है और ये ट्विस्ट भी इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल नहीं है कि जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। इस ट्विस्ट को आप बहुत ही अच्छे से प्रिडिक्ट कर लोगे और ये ट्विस्ट अगर मैंने आपको बता दिया तो आप बोलोगे यार पूरी फिल्म की कहानी बता दे रहे हो। तो इस तरह से फिल्म की कहानी आगे बढ़ रही होती है और जब आप इस फिल्म को देखोगे तो भैया आप ये सोचोगे और बोलोगे हम लोग मूर्ख है यार, हम लोग बुद्धू हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आता, ऐसी फिल्मों हम लोग आज तक देखी नहीं। भैया ऐसी फिल्में आज तक तो बनी नहीं है बॉलीवुड में। लिटरली बताता हूँ आपको कि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं अपने साथ सरदर्द की गोली लेके जाता तो शायद इस फिल्म का मैं लुत्फ और अच्छी तरीके से उठाता। तो धन्य हो जॉन अब्राहम, धन्य हो सर्वरी वॉग, धन्य हो आप लोग जो आप लोगों ने इतनी बड़ी फिल्म बना दी, धन्य हो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये बात कहोगे कि भाई आप इस फिल्म को कितना स्टार दोगे तो भाई 1.5 स्टार दे देता हूँ क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए मैं पहुंचा था वहां पर और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आए और उनको मेरी बातें अच्छी ना लगे तो वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो मुझे सच्चाई नजर आई मैंने वो बात आप लोगों को बता दी। क्योंकि भैया मुझे अभी गोलियां खानी है क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन जो है वो काफ़ी बिगड़ गया है, दिमाग हैंग हो गया है और मैं यही सोच रहा हूँ कि आज मैंने इस फिल्म को क्यों देखा, कल इस इस फिल्म को मैं कल झेल लेता, आज झेलने की ताकत नहीं थी, माफ़ कीजिएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।